नमस्कार दोस्तों, मैं विदास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हिंट्स फॉर यू। दोस्तों आज इस वीडियो में आप सीख पाएंगे कि रेलवे में डाले गए ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर फॉर्म की स्थिति का पता कैसे किया जाता है। जी हाँ, मेरे ही कुछ रेलवे स्टाफ ने मुझसे पूछा था कि मैंने बहुत पहले ही ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर का फॉर्म सबमिट किया था, पर अभी तक मुझे पता नहीं चल पाया है कि मेरे द्वारा भरा गया फॉर्म का क्या हुआ, कहाँ तक काम हुआ है, पहुँचा या कि नहीं, या रिजेक्ट हो गया, इस तरह के सवाल। तो आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि आपके द्वारा डाले गए ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर फॉर्म की स्थिति क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर यानी गूगल क्रोम या यूसी ब्राउजर या पैरामिनी ओपन कर लें और लिंक बार में टाइप करें कॉमन पोर्टल फॉर ट्रांसफर और सर्च करें। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएंगे और ऊपर यहां पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनमें से आप रिक्वेस्ट ट्रांसफर पर क्लिक करें। फिर से आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएंगे। अब यहां रजिस्टर्ड ट्रांसफर स्टेटस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां ये ऑप्शंस बार के सामने कुछ ऑप्शंस को भरनी पड़ेगी, जैसे सेलेक्ट रेलवे में अपना जोन को भरें, यूनिट में अपना डिवीजन को भरें, डिपार्टमेंट में जो भी डिपार्टमेंट में आप हैं अपने हिसाब से भरें, कैटेगरी में जिस पोस्ट पर आप हैं उसे भर दें, एम्प्लॉय नंबर में अपना पीएफ नंबर भरें, एम्प्लॉय नेम में अपना नाम का नाम भरें और सबमिट पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड नंबर, यूनिट कोड, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट, सीनियरिटी ग्रुप और स्केल, ये सब दिखाई पड़ेगा। आप रजिस्टर्ड नंबर पर क्लिक कर अपना डिटेल देख सकते हैं कि आपका जो है ऑन रिक्वेस्ट फॉर्म की स्थिति क्या है, कहाँ तक काम हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करें और तो आप अपना सारा डिटेल देख सकते हैं। तो इस तरह आप अपना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की स्थिति कॉमन पोर्टल से देख सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर, और इस वीडियो को अपने दोस्त रिलेटिव को भी शेयर करें ताकि वो भी अपना स्टेटस देख सके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरह के लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।